दोस्तों, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। रूस के मुकाबले वेनेजुएला के रिजर्व्स 4 गुना ज्यादा हैं। और इतना सारा ऑयल अगर आज किसी भी देश में है तो हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, लोग बहुत आराम से रह रहे होंगे और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन वेनेजुएला में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अराजकता फैली हुई है, लोग खाने के लिए भूखे मर रहे हैं और इकोनॉमी वेंटिलेटर पर पड़ी है। पर ऐसा क्या हुआ, क्यों वेनेजुएला तेल होने के बावजूद भी इतना गरीब है, आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना दोस्त, बिल्कुल ना भूलें। वेनेजुएला दोस्तों एक बहुत ही अजीब देश है। वहाँ पर कार्स की वैल्यू कभी नीचे गिरती है। अगर आप आज एक कार खरीदेंगे और उसे कुछ सालों के बाद बेचेंगे तो आप सेम ही प्राइस पर उसे बेच सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में तो उसकी कीमत बढ़ भी सकती है। ऑयल प्राइसेस वहाँ पर 6% गैलन से कम है, यानी 100 रुपए से कम में आप अपनी कार का टैंक फुल करवा सकते हैं। वेनेजुएला में बैंक्स प्लास्टिक सर्जरीज के लिए लोन्स देते हैं। टैक्सी ड्राइवर्स वहाँ के डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाते हैं और लोगों के लिए अपना रेंट भरने से ज्यादा सस्ता लग्जरी होटल्स में रहना है। ये सब सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमिक मैनेजमेंट इस तरह से बिगड़ी हुई है कि वेनेजुएला पर पूरी पूरी PhD की जा सकती है कि किस तरह एक देश को अपनी इकोनॉमी नहीं चलानी चाहिए। दोस्तों, वेनेजुएला में आज शुगर, मिल्क, राइस, शैम्पू और ऐसे कई बेसिक प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस है और यहाँ के 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज बहुत ही मुश्किलों से अपना दिन गुजार रहे हैं। वेनेजुएला कभी साउथ अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसने अपनी GDP का 1/3 हिस्सा गवा दिया था। तब से लेकर अभी तक 70 लाख लोग, जो उनकी पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा थे, वो देश छोड़कर अभी तक जा चुके हैं। ये हालात तब हैं जब वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि शायद उन लोगों को ऑयल निकालने में प्रॉब्लम होती हो जैसे कि नॉर्वे जैसे देशों को है, तो यहाँ भी आप गलत है। वेनेजुएला में ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्राइस सऊदी के बाद सबसे कम है, इसलिए ऑयल का ना होना प्रॉब्लम है ही नहीं। वेनेजुएला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ऑयल के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट कर रखा था। 2013 में जब उनके लीडर ह्यूगो चावेस की मौत हुई, तब उनके 96% एक्सपोर्ट सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे और वो खाने पीने की चीजों से लेकर लग्जरी आइटम्स तक सभी कुछ बाकी देशों से इंपोर्ट किया करते थे। यही वेनेजुएला की क्राइसिस के पीछे का एक मुख्य कारण भी है। इसे अगर डिटेल में समझना चाहें तो हमें ये देखना होगा कि जब भी दुनिया में तेल के दाम बढ़ते थे तो फिर वेनेजुएला की करेंसी बॉलीवुड की वैल्यू भी बढ़ती थी, क्योंकि उसके लिए डिमांड अपनी शुरू हो जाती थी। इसका बुरा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पर पड़ता था। अगर मान लें कि वेनेजुएला के एक फार्मर को अपनी क्रॉप अमेरिका भेजनी है, अगर $1 की वैल्यू 20 बॉलीवर है और अचानक से ऑयल डिमांड के कारण $1 की वैल्यू अधिक होकर 10 बॉलीवर हो जाती है, तब अमेरिकन्स को उस वेनेजुएलन फार्मर की क्रॉप को खरीदने के लिए दुगना दाम देना पड़ेगा और इस तरह उनके लिए डील फायदेमंद नहीं रहेगी। इस वजह से वहाँ के लोग ऐसी चीजें प्रोड्यूस नहीं करते हैं जो एक्सपोर्ट की जा सके, क्योंकि ऑयल के रेट बढ़ते ही उनके एक्सपोर्ट्स कट जाते हैं। ये भी एक वजह है कि चीन ने अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझकर डॉलर के मुकाबले कम ही की हुई है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन वेनेजुएला के लिए ये सिस्टम भी ठीक ही काम कर रहा था, क्योंकि अगर बाकी देशों के लिए वेनेजुएला के एक्सपोर्ट महंगे हो रहे हैं तो वेनेजुएला के लिए इम्पोर्ट्स भी तो सस्ते हो रहे थे। अगर डॉलर की वैल्यू 20 बॉलीवर है तो उन्हें $100 का सामान इम्पोर्ट करने के लिए 2000 बॉलीवर खर्च करने पड़ रहे थे। लेकिन अगर अब ऑयल की वजह से $1 की वैल्यू गिरकर 10 बॉलीवर हो जाती है, तब $100 का सामान इम्पोर्ट करने के लिए उन्हें सिर्फ $1000 ही खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, यही वजह थी कि वेनेजुएला ने सिर्फ ऑयल ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अपने काम की सभी चीजें, फिर वो खाना या लग्जरी आइटम्स हो, वो सभी कुछ इम्पोर्ट करने लगे। लेकिन समय ऐसा भी था जब वेनेजुएला के 60% लोग मिडिल क्लास थे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कई मायनों में यूरोप के कुछ देशों से भी बेहतर था। ये 1970 के आंकड़े हैं जब गल्फ क्राइसिस के कारण ऑयल की डिमांड काफी बढ़ गई थी। इसके बाद 2000 के दशक में चीन के राइस की वजह से भी ऑयल प्राइसेस ने बढ़ोतरी देखी और इस वक्त तो वेनेजुएला ने अपने यहाँ डॉक्टर्स तक को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस मॉडल के साथ परेशानी ये थी कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहे तो इकोनॉमी भी बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस गिर गए तो उनकी करेंसी की वैल्यू भी गिर जाएगी और फिर उनके लिए बाकी चीजें इम्पोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और यही वेनेजुएला में भी हुआ, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्ट्स करने की वजह से कभी बाकी बिजनेसेस को ग्रो करने का चांस ही नहीं मिला था, इसलिए अचानक से वहाँ पर शॉर्टेजेस होनी शुरू हो गई। ऑयल के प्राइसेस में ये ड्रॉप 2 बड़ी वजह से रजिस्टर किया गया। पहले तो US सैंक्शंस थे जो वेनेजुएला पर लगाए गए, क्योंकि वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट के ऊपर इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगाया गया था। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को देखें और रूस और यूक्रेन वॉर के प्रभाव को हटा दें तो आपको पता चलेगा कि ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कई सालों से गिर रहे थे। वेनेजुएला की करेंसी बाहर से प्रिंट होकर आती है और एक समय पर वो इतना ज्यादा बैंक्रप्ट हो गया था कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी करेंसी सप्लायर को पे कर सके। इसके अलावा जब सरकार इस इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रही थी तो उन्होंने वही किया जो हर डूबती हुई सरकार करती है, उन्होंने ज्यादा नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए। और आपको पता ही होगा कि जब ज्यादा नोट प्रिंट किए जाते हैं तो देश में महंगाई बढ़ने लगती है, क्योंकि आप यूं ही हवा में तो नए नोट प्रिंट नहीं कर सकते ना, आपको उसके लिए कोई बैकिंग तो चाहिए। 2019 में वेनेजुएला की सरकार ने कई सालों बाद इन्फ्लेशन या महंगाई
के आंकड़े जारी किए और दुनिया के सामने एक शॉकिंग आंकड़ा आया। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन 1.3% तक बढ़ गया था। जी हाँ, 1.3%। इसी वजह से वहाँ टैक्सी ड्राइवर्स डॉक्टर से ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर तो अपना किराया बढ़ा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी सैलरी कितनी ही बढ़ा लेंगे। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पान वाले जितने भी लोग थे सभी के साथ ऐसा ही हुआ। ये क्राइसिस इतनी बढ़ गई थी कि पैसे की वैल्यू तेजी से गिर रही थी, और इसलिए लोगों ने अपने पैसों को बैंक में सेफ रखने की बजाय यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने बैंक से लोन्स ले लिए, जिससे वो टीवी और फ्रिज खरीदने लगे, और कुछ लोगों ने तो प्लास्टिक सर्जरीज तक करवा ली। इसके बाद सरकार ने जो दूसरी गलती की वो थी प्राइस कंट्रोल करना। उन्होंने बेसिक नीड्स के सामने के प्राइसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ताकि सभी लोगों ने खरीद सके। लेकिन ये सारा सामान आता तो विदेश से ही था ना, और उसे मंगवाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, जिस वजह से सुपरमार्केट्स में दंगे भड़कने शुरू हो गए। लोग जाकर दुकानें लूटने लगे और टॉयलेट पेपर्स तक के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। नतीजा ये हुआ कि सरकार को निर्धारित करना पड़ा कि हफ्ते के कौन से दिन कौन आदमी किस स्टोर में जा सकता है। इन स्टोर्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी लगा दिए गए, ताकि एक आदमी सिर्फ एक ही बार सामान खरीद सके। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि लोग यहाँ से ज्यादा सामान खरीद कर उसकी कालाबाजारी कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे। वेनेजुएला में डॉलर की वैल्यू भी सरकार ने बहुत कम रखी थी। अगर मान लेते हैं डॉलर को वैल्यू सरकार ने 5 बॉलीवर रखी, तो डॉलर की एक्चुअल वैल्यू 20 थी, और इसी का कुछ लोग फायदा उठाते थे। वो लोग सरकार से बॉलीवर के बदले डॉलर्स लेते थे और फिर उन डॉलर्स को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाने लगते थे, क्योंकि वेनेजुएला में सिर्फ वही लोग फॉरेन करेंसी ले सकते हैं जिनकी सरकार में पहचान है। इसलिए एक तरह से ये प्रैक्टिस उन्हीं लोगों को अमीर बनाने के लिए थी। दोस्तों, वेनेजुएला में आप सरकार के अलावा किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सरकार ने ज्यादातर बिजनेसेस को नेशनलाइज किया हुआ था, यानी सरकार की सभी कुछ चलती थी। इसलिए यहां पर अगर किसी की गलती है तो वेनेजुएला की सरकार की, लेकिन सरकार का तो कुछ और ही कहना है। सरकार का कहना है कि इस क्राइसिस के लिए वो आम लोग जिम्मेदार हैं, जो अपनी जरूरत से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं। अगर वो अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदें तो ये क्राइसिस ना आती। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप घर के लिए एक टीवी खरीदें या फिर 3, ये आपका डिसीजन है। अब सोचिए कल को भारत सरकार आपसे कहे कि आप टीवी खरीद कर देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो कितना अजीब लगेगा। यही वजह है कि वहां यूज कार्स ज्यादा महंगी हैं, क्योंकि नई कार्स तो वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए पुरानी ही यूज कर रहे हैं। यही है वेनेजुएला की सच्चाई। आपको क्या लगता है कि क्या वेनेजुएला अपने ऑयल के दम पर रिकवर कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।